केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर चुनाव प्रचार के लिए हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के कुटलेहड़ के थाना कला में पहुंचे, जहां पर आयोजित पन्ना प्रमुख सम्मेलन में उन्होंने भाग लिया। जनसभाओं को संबोधित करते हुए अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। बयान देते हुए कहा कि कांग्रेस के नेता लोगों से वोट मांगने जा रहे हैं तो अपने 15 महीनों की सरकार की एक भी उपलब्धि नहीं बता पा रहे हैं। कांग्रेस का कार्यकर्ता आज बुरी तरह से हताश और निराश है, क्योंकि उन्हें कांग्रेस की झूठी गारंटियों से उत्पन्न जन आक्रोश का सामना करना पड़ रहा है। मिल रहा है क्योंकि हिंसा चरण के मतदान तक ये साफ नजर आता है कि नरेंद्र मोदी की हैट्रिक लगाने के तैयार है। कांग्रेस का चुनाव लगातार गिरता जा रहा है, हताशा निराशा नजर आ रही है कि अंग्रेजों द्वारा बनाई गई जो कांग्रेस पार्टी है इसमें अंग्रेज तो चले गए, अपनी विचारधारा छोड़कर चले गए। रंग भेद जातिवाद क्षेत्रवाद के नाम पर देश को बांटने का प्रयास कर रहे हैं, भय भ्रम अफवाहें फैलाने का काम कर रहे हैं। जो कभी अंग्रेज करते थे हिंदुस्तान को बांटने के लिए, आज कांग्रेस पार्टी के नेता बांटो और राज करो की नीति पर। पाकिस्तान से भी उनको बार बार समर्थन मिल रहा है क्योंकि हिंदुस्तान में कांग्रेस के साथ कोई नहीं, लेकिन ये देश विरोधी ताकतें और देश विरोधी हरकतें ये विपक्ष के एजेंडे पर है। और ये अपने आप में दिखाता है कि चुनाव मैं बने रहने के लिए किसी भी स्तर तक गिर सकते हैं। मैं इतना ही कहूंगा, अब हिंदुस्तानियों को अपमानित करना बंद कर दो, हिंदुस्तान की सेना के खिलाफ अपने प्रहार करने बंद कर दो, विदेशी ताकतों के साथ कांग्रेस अपना हाथ मिलाना बंद कर दे। ये देश ने मन बना लिया है कि विकसित भारत बनाएंगे और संकल्प से सिद्धि तक लेकर जाएंगे, फिर नरेंद्र मोदी की सरकार बनाएंगे।